बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? किचन मूवी में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लाए हैं, तो चलिए फिर इसमें डलने वाली चीजें देख लेते हैं। चिकन ब्रेड की डो बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा 1 अदद, नीम गरम पानी 1 गिलास से थोड़ा कम, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, मैदा 4 कप, चीनी 4 खाने के चम्मच, मिल्क पाउडर 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैदे को छान कर निकाल लें। अब इसमें मिल्क पाउडर, खमीर, नमक, चीनी, अंडा, और कुकिंग ऑयल डालकर हाथों से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गरम पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को अच्छे से गूंथते जाएंगे। पानी एकदम से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें बहुत सख्त डो चाहिए। देखें अब ये कितने अच्छे से तैयार हो रहा है। अब हम इसमें से एयर को निकाल देंगे। डो को हम तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह कवर करके रख देंगे। ये देखें पानी तकरीबन 1 कप और 3 चम्मच इसमें गया है। तो इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच, प्याज चॉप 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सफेद सिरका 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1/4 कप, बॉयल चिकन का रेशा या कीमा 1/2 किलो, चिकन क्यूब्स 2 पीस, ओरिगैनो 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 4 खाने के चम्मच, चेडर चीज हस्बे जरूरत, दूध 1.5 कप, नमक 1/2 चाय का चम्मच। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करेंगे, अपने बर्तन को गर्म करेंगे
और इसमें 2 टेबलस्पून घी, ऑयल या मक्खन कुछ भी डाल दें। देसी घी या मक्खन में ये लाजवाब तैयार होती है। अब इसमें चॉप प्याज डाल दें। 1 मिनट तक प्याज को सोते करें। अब इसमें लहसुन डाल दें। एक मिनट तक पकने दें। लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसमें चिकन डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुटी मिर्च, नमक, चिकन क्यूब्स, काली मिर्च डाल देंगे, सिरका भी डाल देंगे। ये सोया सॉस भी हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब तक चिकन क्यूब अच्छी तरह मेल्ट होकर बीच में मिक्स नहीं हो जाती तब तक हमने इसे हिलाते जाना है। चूल्हे का फ्लेम लो है। अब हम इसमें मैदा डाल देते हैं। इसे तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने शिमला मिर्च डाल दी है। ओरिगैनो और व्हाइट मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इसे पकाते हुए हम दूध को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लें। जैसे ही अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
दो घंटे गुजर चुके हैं, अब डो को देखते हैं, ये अच्छे से राइज हो चुकी है। इसमें से हम मज़ीद एयर को निकाल देंगे। जब डो को ऐसे रोल करते हैं तो इसमें से एयर निकल जाती है। अब हम ज़रूरत के मुताबिक काट लेंगे, बाकी को साइड पर रख देंगे। इसमें से मज़ीद एयर को अब निकालते हुए इसे रोटी के पेड़े की तरह से तैयार कर लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब हम इस रोटी के बिल्कुल दरमियान में अपने इस अमेजे को रखते हैं। इसे ऐसे फैलाते हुए रखते जाएं। इसे अच्छी तरह से फैला दें। अब छुरी की मदद से ऐसे साइडों पर कट लगा लें। दोनों साइडों पे कट लग गए हैं, बराबर बराबर लगाए हैं। अब फिलिंग के ऊपर चेडर चीज फैला दें। अगर आपको चीज नहीं पसंद तो आप ना डालें, और अगर ज्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर लें। देखें, अब ऐसे स्ट्रिप्स को पकड़कर पैक करते जाएं। इसे अच्छी तरह से दबाते हुए पैक करें। इसी तरह से पैक करते हुए हमने अपनी चिकन ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसे ग्रीस कर लिया है। ब्रेड के ऊपर हम तेल डाल देंगे। हम थोड़े थोड़े करके छिड़कते जाएंगे। अपनी ब्रेड को ऑयल से ग्रीस करेंगे। दूसरी तरफ हमारा पतीला गर्म हो रहा है, हमने 20 मिनट पहले उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर एक छोटा बर्तन रखा है, अब हम उसके ऊपर इस ब्रेड को रख देंगे। अब हम चिकन ब्रेड को इसके अंदर रखने के बाद इसे 25 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे, बाकी स्लो। पहले तरीके से बनाते हुए हमने एक और चिकन ब्रेड तैयार कर ली है। एक ट्रे को ग्रीस किया है और इसको माइक्रोवेव सस्पेंशन ओवन में रख दिया है। इसको हमने 12 मिनट का टाइम लगाया है, तो अब देखते हैं इसे 12 मिनट के बाद। 12 मिनट बाद हम अपनी ओवन वाली ब्रेड चेक करते हैं। 12 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, इस पे कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब 25 मिनट के बाद हम अपने पतीले वाली चिकन ब्रेड को देखते हैं। देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इस पे कलर डार्क नहीं हुआ करता। अब हम अपनी ब्रेड को
मक्खन के साथ या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। इससे इसमें शाइनिंग आ जाती है और ये बहुत सॉफ्ट रहती है। लीजिए, ये माइक्रोवेव में तैयार हुई हुई ब्रेड बिल्कुल तैयार है। देखें, ये वो ब्रेड है जो हमने पतीले में तैयार की है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।